चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस से इस्तीफा हो चुका है। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। देखिए लगातार ये खबर हम दिखा रहे थे और मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से अब इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के लिए ये बड़ा झटका, प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो जानकारी मिल रही है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं और एबीपी न्यूज ने लगातार ये खबर आपको बताई थी। और देखिए एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है, नाराजगी की बातें सामने आ रही थी और अब कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा हो चुका है। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस को। महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका माना जा रहा है। मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। जो अभी जानकारी मिल रही है कि प्राथमिक सदस्यता जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से कांग्रेस के लिए देखें तो ये बहुत बड़ा झटका है। एबीपी न्यूज ने ये खबर लगातार आपको बताई और अब देखिए वो बातें खोलकर सामने आ गई। कांग्रेस को ये महाराष्ट्र में बड़ा झटका मिलिंद देवड़ा के इस्तीफा से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि अब इसके पीछे और भी जो कहानियां हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी, लेकिन पहली जो खबर, जो प्राथमिकता अभी जो दिखाई दे रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, महाराष्ट्र के लिए। सियासत के लिहाज से देखें, महाराष्ट्र के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा झटका। उनकी नाराजगी की बातें कई बार सामने आई और अब जाकर इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। फिलहाल जो खबर है कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आज देखिए एक तरफ मणिपुर में शुरुआत न्याय यात्रा की होने जा रही है, राहुल गांधी शुरुआत करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए ये अच्छी खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है। मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका महाराष्ट्र में।